होता तो हम भी ना होते और योगी भी ना होता। आखिर हम समाजवादियों को इस दिल्ली की धरती पर धरना पे क्यों बैठना पड़ा? क्या वजह है? क्या कोई सरकार इसीलिए बनती है कि जाति और धर्म के नाम पर वो लोगों की हत्याएं करवाए? क्या सरकार इसीलिए बनती है जाति और धर्म के नाम पर लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे करे? हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कभी भी सत्ता से लालच नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की नींव ही संघर्ष है। समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा से कहा है कि हमारा अस्तित्व संघर्ष से है, धूल और धरना से हमारा रिश्ता है। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस वालों से, क्या पुलिस वालों, ऐ हमारे रक्षकों, तुम भी किसान के बेटे हो, तुम भी किसी मजदूर के बेटे हो, कोई अंबानी के बेटे नहीं हो जो आज तुम पुलिस की नौकरी कर रहे हो। तुम हम गरीब मजदूरों के दर्द को समझो। हम पे लाठी बरसाने से पहले सोचो कि तुम अपने भाई पे लाठी बरसा रहे हो, तुम भी किसी किसान और मजदूर के बेटे पे लाठी बरसा रहे हो। आज उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल तमाशा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश में तानाशाह फैला रखा है। और उसके कारिंदे गुंडे, जो सरकारी गुंडे हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उनकी वो जाति पूछ करके गोली मारने का काम कर रहा है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है और करता रहेगा। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि पुष्पेंद्र यादव के हत्या के दोषी हत्यारे को जब तक जेल की सलाखों में ना भेज दूं, जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय न दिला दूं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करता रहेगा। अरे उत्तर प्रदेश के शासक, अगर है तेरे में दम तो सारे समाजवादियों को जेल में बंद कर दे, उसके बाद ही जेल की गेट टूटेगा और समाजवादी बाहर निकलेगा, फिर ललकारेगा तुझे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अंदर ताकत रखता है, गरीब मजदूर के दर्द को समझता है। तो साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई अरुण सागर जी का कि जिन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इस जालिम सरकार, योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और उस आंदोलन में हम सब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और योगी जी का पुतला दहन भी करने का कार्य समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस राजधानी दिल्ली में करेगा। और दिल्ली में बैठने का मकसद एक ही है, क्योंकि संविधान लिखने वाले हमारे संविधान वेत्ता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में हमें ताकत दी है, संविधान में हमें अपने हक की बात कहने की ताकत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं सुनता हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री जालिम हो, तुम्हारा मुख्यमंत्री क्रूर हो, अगर तुम्हारा मुख्यमंत्री गलत तरीके से शासन कर रहा है तुम पे, तो तुम क्या करके प्रधानमंत्री को सुनाओ। लेकिन अफसोस, हमारे देश में जो राज कर रहा है प्रधानमंत्री, वो एक ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है। आपने पीछे भी देखा किस प्रकार से थैला उठाने का काम उन्होंने किया। पहले उनकी सिक्योरिटी आती है, कैमरा लगता है, फोकस टाइट होता है। अरे भाई, जितना स्वच्छता अभियान के नाम पर प्रचार में पैसा लूटने का काम आप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ठेकेदारों ने किया है, उसका 25% भी वास्तविक रूप से हिंदुस्तान की स्वच्छता के लिए लगा दिए होते तो आज हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग हो गया होता। लेकिन मोदी जी ने उस पैसे को लूटने का काम किया। आज हमारे देश की स्थिति क्या है? सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद होने के कगार पे है, मारुति उद्योग बंद हो गया, हमारे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। चुनाव से पहले कहा था कि भाइयों बहनों, 5 साल में लर्निंग में था, 5 साल का शासन मैं देखते देखते समय निकल गया, एक बार और आप मुझे मौका दो, एक बार और आप मुझे मौका दो, मैं आपको रोजगार दूंगा, मैं आपको कारोबार दूंगा, हिंदुस्तान को सातवें आसमान पर पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन आज शर्म आती है मुझे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हम
प्राणियों की अर्थव्यवस्था को बंगलों के थोड़े नेपाल से नीचे करने का काम कर दिया है। कहां है वो पैसा जो आपने चुनाव से पहले रिजर्व बैंक से लिया था? क्या हो गया हमारे देश को? आपने कहा था नोटबंदी होगा, नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म होगा, लेकिन ब्लैक मनी खत्म हुआ? आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन वो ब्लैक मनी खत्म हुआ है अडानी और अंबानी का। ब्लैक मनी खत्म हुआ है बड़े बड़े धन्ना सेठों का। हम गरीबों का तो रोजगार भी छीनने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। तो फिर मैं फरियाद लेके कहां जाऊं, किससे अपना दर्द कहूं? सुबह को जब मैं घर से निकलता हूं, मेरे बच्चों को टेंशन होता है, मेरी माँ को भी चिंता लगी होती है कि उत्तर प्रदेश में मेरा बेटा रहता है, पता नहीं सुबह गया है शाम को घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो मेरा रक्षक है, जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, वही आज हमारी हत्या करने पे आतुर हो चुका है। तो मैं किससे जाकर अपनी फरियाद करूं? अब एक रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता है महामहिम महामहिम महोदय राष्ट्रपति महोदय जी से। मैं इस धरना के माध्यम से मांग करता हूँ, महामहिम जी, आप अपने तीसरे नेत्र को खोले। आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि हम गरीब मजदूर नौजवान किसान छात्र अल्पसंख्यक दलितों के दर्द को सुने और दलितों के दर्द का निवारण करने का काम करें। क्या कोई बच्चा, एक तरफ अपराधी, एक बाबा है उनके पास जो अभी अभी उनके ऊपर बलात्कार का केस होता है, मालिश करवाने का काम करते हैं वो, लेकिन पीड़िता को जेल भेज दिया जाता है इस सरकार में, और बाबा हॉस्पिटल में मस्त होकर के और मालिश कराने का काम कर रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई है, तब से सिर्फ एक ही काम हुआ है, भाई से भाई को अलग करने का काम, भाई से भाई को अलग करने का काम, पड़ोसी से पड़ोसी को लड़ाने का काम। अरे हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, उस हिंदुस्तान में हम आबोहवा में सांस लेते हैं। किस हिंदुस्तान? ये हिंदुस्तान महात्मा गांधी का है, ये हिंदुस्तान सुभाष चंद्र बोस का है, ये हिंदुस्तान भगत सिंह जी का है। उस हिंदुस्तान में हम सांस लेते हैं जो कहा था उन्होंने कि रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो राम, सबको सन्नति दे भगवान। तो मेरा हिंदुस्तान मजबूत तभी होता है जब मंदिर में घंटा बजता है, मस्जिद में आजान होता है और गुरुद्वारा में कुर्बानी हो, तब जाकर के एक मजबूत हिंदुस्तान की कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम हिंदुस्तानी आपस में लड़ने भरने को तैयार हो चुके हैं। जब बात आती है चुनाव की, जब चुनाव की बात आती है, तो सिर्फ इनके पास एक ही मुद्दा है। आज चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, चुनाव राजस्थान हरियाणा में हो रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है इनके पास? सिर्फ एक ही मुद्दा है, 370 हमने हटा दी। अरे 370 को तो कांग्रेस ने ही हटा दिया था, अगर जगमोहन जी अगर नाकर नुकर न करते, उसी वक्त में 370 हट गया होता, और हर हिंदुस्तानी 370 के हटने से खुश है। आप ये ना कहें कि आप सिर्फ आप ही खुश हो 370 के हटाने से। 370 हटा ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहता है, हमारा संविधान कहता है कि कहीं भी कोई भी कानून लगाने से पहले वहां की जनता से आप राय मशवरा करें, वहां की जनता की राय को आप लें। लेकिन आप बंदूक की नोक पर किसी के साथ जुल्म करेंगे, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बात राम मंदिर की करते हो, अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, तुमसे ज्यादा हम भगवान की पूजा करते हैं, तुमसे ज्यादा भगवान राम को हम मानते हैं, लेकिन हम उस राम को मानते हैं जिस राम ने सेवरी का जूठन खाने का काम किया था, जात पात को मिटाने का काम किया था। हम तुम्हारे तरफ फर्जी राम के भक्त नहीं है, तुमसे ज्यादा हम राम की पूजा करते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि 2022 में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, और जो उन्होंने वादा किया है उस वादा को पूरा करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पे भगवान विष्णु का भक्त
भव्य मंदिर बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन तुमने सिर्फ राम के नाम पर वोट लेने का काम किया, राम के नाम पर सिर्फ जनता को लड़ाने का काम किया। जितने भी कार सेवक वहां गए उनके दर्द को पूछने वाला कोई है? उनके माँ बाप के दर्द को पूछने वाला कोई है? अरे तुम्हें कोई भी मरता है इस हिंदुस्तान में, चाहे वो भुखमरी से, चाहे तुम्हारे अत्याचार से, चाहे तुम्हारे गुंडागर्दी से, वो किसी न किसी का लाड़ होता है, किसी न किसी बहन का भाई होता है। तो भाई उस बहन के दर्द को समझो, उस माँ के दर्द को समझो, उसने अपना लाल खोया है, उस लाल को वापस लाके दो। पुष्पेंद्र यादव हमारे हिंदुस्तान का भविष्य था, पुष्पेंद्र यादव 24 साल का नवयुवक था, किसके ऊपर 151 तक की मुकदमा दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन इस कालीन सरकार ने और कालीन सरकार के प्रशासन ने सिर्फ जाति के नाम पर कि वो यादव है, मैं यादव की बात नहीं करता, दर्द हमें है जब बंगाल में भी मारा गए कोई हिंदुस्तानी, हमारा पूरा परिवार मारा गया, उसका दर्द मुझे है, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चलाने का काम किया, ये आरएसएस के कार्यकर्ता को मार दिया गया और मारने वाले दूसरे पार्टी के लोग हैं। बताओ ये हत्याओं पे राजनीति करते हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि वहां मरने वाले जो परिवार था उनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और जो जांच में आया है उस हत्या में भी संलिप्त अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संलिप्त है। अब कहां जाओगे बताओ? लूटने वाले तुम, लुटेरे तुम, हत्यारे तुम, और सारे आरोप विपक्षी पार्टियों पे तुम लगाने का काम करते हो, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है। मैं इस धरना के माध्यम से पूरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की चालीम सरकार को संज्ञान में लेते हुए तत्काल बर्खास्त करने का काम करें, और जो भूपेंद्र यादव का हत्यारा है, जो देश का लाल था हमारा, कल का भविष्य था, जिसका भाई देश की सेवा करता है, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए देश की सेवा में सिर्फ तत्पर रहता है, उसके भाई का एनकाउंटर, उसके भाई का एनकाउंटर जो हमारे जिसके वजह से हम हिंदुस्तानी महफूज है, सरहदों में वो गोली खाता है और उसके भाई को यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस ठोकने का काम करता है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी करता है, और उस ठोकने वाले इंस्पेक्टर को जब तक सलाखों के पीछे हम समाजवादी न देख ले चैन की सांस लेने का काम नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।